नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं मनचाही न्यूज़ में और जी टाइम भोजपुरी, और मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले बड़े ब्यूटीफुल सिंगर से जिनकी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में गाने चकाचौंध की दुनिया में है, यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में है और लोग रील्स पे भी काफी वायरल कर रहे हैं। जी हमारे साथ आज अनुपमा यादव जी हैं, मैम को स्वागत करते पूछते हैं भैया ट्रेंडिंग किस लिस्ट में, मैम कितना खुश है। मैम बहुत स्वागत है, कैसे हो? बहुत स्वागत आप सभी का भी है। मैं बढ़िया हूँ, आपके? मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हरी हरी होनी लोगों को काफी पसंद आ रहा है, रील्स की दुनिया में धमाल मचा चुका है। आप कैसे फील कर रहे हो कि गाना आया और छा गया? जब भी कोई चीज़ हम लोग बहुत मेहनत से अगर उसको करते हैं और उसके बाद वो चीज़ रंग लाती है ना, तो ऑलरेडी बहुत खुशी होती है। जैसे अगर हम लोग पढ़ाई भी करते हैं और मेहनत से पढ़ाई करते हैं और फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, तो हम लोग को बड़ी खुशी होती है कि नहीं यार, हम लोगों ने पढ़ाई किया है और बहुत अच्छे से किया। तो वैसे ही हम लोगों ने गाने में बहुत मेहनत की है और वो गाना रंग लाएगा तो जाहिर सी बात है हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा कोई गाया हुआ चीज़, और वैसे भी वो पावर स्टार है, लेकिन हम लोग को इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें हमारी भी आवाज़ उनके साथ साथ प्रोग्रेस कर रही है, इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। डेढ़ महीने का सफर, 55 मिलियन से ज़्यादा रील्स पे काफी वायरल हो रहा है, लगा था आपको कि आएगा, झूम के आएगा, खूब बजेगा, लोगों को बहुत सारा प्यार मिलेगा? ये जब गाना रिकॉर्ड हुआ था तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि ये गाना बजेगा, क्योंकि पारंपरिक ट्यून जो होता है वो बजता है, और हरे हरे ओडिया का काफी खूबसूरत वॉइस है पंडिया की, इसमें हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत कोशिश किया है, और वो गाना इतने कम समय में इतना ज्यादा मिलियन होना, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। या तो खैर बहुत सारा मिलियन गाना दे चुके हैं, ब्लॉकबस्टर हिट दे चुके हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है एज अ फीमेल सिंगर, हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 55 मिलियन का केक कटिंग हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि आप जहाँ पे खड़े हो गाने बज रहे हैं, साथ ही साथ अब आपके दिल में भी एक कह सकते हैं अलग से उमंग है क्योंकि आप स्टेज पे थी, इसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्रीज में गानों को लेकर आती है और बैक टू बैक गाने हिट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है कि और कुछ ज़्यादा बड़ा करना है ताकि लोगों का जो प्यार लगातार आपको मिलता रहे? बिल्कुल, बैठे नहीं रहना है क्योंकि लाइफ स्ट्रगल है, आप स्ट्रगल नहीं करिएगा तो जीवन में संघर्ष से बढ़कर कुछ नहीं है। और आज ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, ये सेलिब्रेशन मेरा नहीं, ये सेलिब्रेशन जनता का है, उन्होंने इतना प्यार दिया है, हम लोगों ने तो बस कोशिश की है कि हम लोग किस हिसाब से उनको मोटिवेट कर सके या किस हिसाब से उनका मनोरंजन कर सके, और जनता ने इतना प्यार दिया है तो उसके लिए छोटा सा केक कटिंग हमारे धीरज भैया और डीआरएस म्यूजिक धनंजय भैया ने वहाँ से बोला है कि नहीं केक कटिंग होनी चाहिए, तो मुझे फ़ोन आया सडनली, तो मैंने कहा कि ज़रूर हम केक काटेंगे हर खुशी में। और लोग को लगता है ना कि हम लोगों में और पवन भैया की टीम में कुछ द्वेष है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हरी हरी ओढ़नी इतना बड़ा गाना अगर उन्होंने दिया है मुझे, तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के दिया होगा, और हर गाने के पीछे उनका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर था, उनको पता था कि शायद वो गाएगी तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, या मैं उसको गवाऊंगा अपने हिसाब से, कुछ ना कुछ वो अच्छा करेगी या बहुत अच्छा होगा, इसलिए गवाया। और आज वो प्रोग्रेस पे है कि वो 60 मिलियन भी हो जाएगा, मुझे लगता कल तक 60 मिलियन हो जाएगा पार, इसलिए भी हम लोग खुशी होती है। हरी हरी होने के बाद देखें हसीना आया और ये भी, इसको बहुत प्यार मिल रहा है, लगातार आप रील्स बना रही हैं, खेसारी जी के साथ कॉम्बिनेशन आपका अच्छा नजर आ रहा है, कैसा लगा आने के साथ बैक टू बैक आपके गाने हिट हो रहे हैं? मेरा कॉम्बिनेशन, मुझे जो भी गवाता है तो सबके साथ मेरा कॉम्बिनेशन अच्छा है, किसी के साथ मेरा कोई नहीं है। पवन भैया ने मुझसे हरी हरी ओढ़नी गवाया, खेसारी भैया ने हसीना गवाया, अभी कल्लू जी के साथ भी ये गाना आने वाला है बहुत प्यारा, वो भी आ रहा है शायद SRK फिल्म से, तो मेरा कॉम्बिनेशन, मेरा बाउंडिंग सबसे अच्छा है, और मैं ये जानती हूँ कि मैं मेहनत करती हूँ, मैं दिन रात में स्टेज करती हूँ, दिन में टाइम मिलता है तो मैं स्टूडियो भी आती हूँ, कभी कभी नहीं भी आ पाती हूँ क्योंकि रात भर का जागना थकान हो जाती है थोड़ी बहुत, तो गले पे असर पड़ जाता है इसलिए भी, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि अगर एल्बम है तो दौड़ भाग के एल्बम भी करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आप मेहनत है। और खेसारी भैया के साथ गाना, मैं ऐसी सिंगर हूँ कि मैं सबके साथ गाती हूँ, यही कुछ लोगों को नहीं पचता है, कुछ लोग पचा ले जाते हैं, तो जो अच्छे हैं मेरी जनता, जो मुझे प्यार करती है, वो चाहती है कि मैं सबके साथ रहूँ, और जो कुछ लोग हैं आप समझ ही सकते हैं, वो लोग चाहते हैं कि नहीं सिर्फ इनके साथ, नहीं उनके साथ, इनके साथ, तो उस चीज़ में बीच में पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए कभी कभी मेरा लॉस भी हो जाता है इस वजह से।